Nurturing excellence. Good afternoon, students. We welcome you all in our Abacus Academy. Today, we will discuss about SENI School previous year paper of 2019 maths. If the square of a number is added to the square of 28, the result is 1808. देखो, कोई number है x. अगर मैं इसका square करता हूँ, x square बन गया. Plus, मैं अगर 28 का square कर रहा हूँ, 28 का square होता है 784. ठीक है? कितना हो गया 784 will be equal to कितना हो रहा है 1808. अब देखो मुझे तो x square की value चाहिए, ये plus में side change करना तो minus में हो जाएगा 1808 minus 784 x square की value हो जाएगी 4201 x square की value क्या होगी 4201 x की value चाहिए. अभी देखो x square से x कैसे बना हुआ, जब मैंने x square का root किया हुआ तभी तो x बना हुआ, सेम 1024 का रूट कर दो कितना आ जाएगा 32. तो आंसर इज 32 और आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं. इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन ऑफ 5 मीटर ब्रेथ इज 300 स्क्वायर मीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गार्डन. लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है एरिया. ठीक है, अगर लेंथ इनटू 5 मीटर विल बी इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर. मुझे क्या चाहिए, लेंथ चाहिए 300 मीटर स्क्वायर. अभी 5 मीटर क्या है, मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल, इससे कैंसिल हुआ 60, लेंथ कितनी आ जाएगी 16 मीटर. अ मैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर. ही कवर फर्स्ट 10 किलोमीटर एट 10 किलोमीटर पर आवर, सेकंड 10 किलोमीटर एट 20 किलोमीटर पर आवर, थर्ड 10 किलोमीटर एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट 10 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम. देखो टोटल डिस्टेंस कितना है 40 है और टोटल टाइम कितना है. देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. पहला 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर के वन आ गया 1 आवर, प्लस दूसरा 10 किलोमीटर 20 की स्पीड से, तीसरा 10/30. ये देखो टाइम निकाल दिए, चलो टाइम निकाल दिए, प्लस करना है ये 10/10 लिख लेते हैं इसको, कोई बात नहीं इसको हटा. अब एलसीएम ले लो तुम सबके, कितना आ जाएगा 120. एलसीएम विल बी 120, ये 120 कैसे, देखो 10 को डिवाइड करोगे 120 से, ये कैसे बना 12 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 120 बनेगा, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 60 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी 4 से कर देता हूं, 40 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी 3 से कर देता हूं, 30 40 70 130 एंड 250 अपॉन में 2 120 0 से 0 कैंसिल. अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना 40 अपॉन में टाइम क्या है 25, अपॉन में जो 12 था ऊपर चल जाएगा. ठीक है, 5 का डबल सबको आता है, 8 जा 5 जा मल्टीप्लाई कर दो 96 अपॉन में 5 क्या आएगा 19.2 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. द एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज गेट इंक्रीज्ड बाय 5 केजी इफ अ बॉय ऑफ 20 केजी है, बट ठीक है केजी इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू बॉय. ओके पहले देखो 6 बॉय का एवरेज कितना था, लेट एवरेज ऑफ 6 बॉयज x. ठीक है, अब देखो सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ 6 बॉयज कितना हो जाएगा 6 इंटू x, 6x हो गया. अभी देखना अब हो क्या रहा है, इसमें से कोई भी निकल रहा है, कौन सा वाला निकल रहा है, 20 केजी वाला निकल रहा है. अगर मैं इसमें 20 केजी निकाल दूं और कोई नया ऐड कर लेता हूं, नया हमें मेरे को पता नहीं कितना वेट है, इसको मैं y मान लेता हूं, y मान लिया. ठीक है, अब देखो बंदे तो कितने रहेंगे, 6 ही रहेंगे, एक गया और एक आया, ये तो गया सम ऑफ वेट्स, ये क्या हो गया सम ऑफ वेट, 6x माइनस 20 केजी प्लस y. अगर इसके एवरेज निकालूं तो अपॉन में 6 आएगा क्योंकि बंदे 6 ही हैं, एवरेज कितना आ रहा है 5 बढ़ गया, पहले x था तो अब क्या हो गया x प्लस 5. ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 5, ये लो देखो 6x माइनस 20 केजी प्लस y. अब देखो 6 क्या डिवाइड में साइड चेंज किया तो मल्टीप्लाई में, देन 6 x प्लस 5, 6x माइनस 20 केजी
वाई विल बी इक्वल टू 6x+30। ठीक है, अभी देखना एक चीज, 20 क्या है नेगेटिव में, साइड चेंज करे तो पॉजिटिव बन जाएगा, और 6x क्या है पॉजिटिव, साइड चेंज करे तो नेगेटिव आ जाएगा। 6x-6x, ये वाला 6x साइड चेंज कर लिया इसने, प्लस वाई विल बी इक्वल टू 20+30, कैंसिल इससे वाई विल बी इक्वल टू 50 kg। ये आ गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टेबल वॉज परचेज एट ₹1000 एंड वॉज सोल्ड एट ₹800, वॉट वॉज द लॉस परसेंट, लॉस कितना पहले ये देखो, 1000-800, ₹200 का लॉस हुआ। ठीक है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला लिख देता हूँ, देखो लॉस अपॉन में सीपी इन 200, लॉस कितना है ₹200 का, सीपी कितना है 1000, 100 लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 20% आ गया, ये लो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ मिल्कमैन हैज टू कैंस ऑफ मिल्क कंटेनिंग 75 लीटर एंड 45 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट वेसल दैट कैन मेजर द मिल्क ऑफ द टू कैन। लार्जेस्ट की बात आ गई, ओके क्या निकालो सीधा एचसीएफ, 45 बन जाओ 45, रिमाइंडर विल बी 30। अब देखो क्या, अब इस 30 उसे जस्ट पहले वाला जो डिवाइड करता था उसको देखो, 45 30 बन जाओ 30, रिमाइंडर विल बी 15, जस्ट पहले वाला कौन सा डिवाइड करा, 30 30, ये आ गया आंसर क्या है 15, और लीटर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 18 21 24 लीव्स रिमाइंडर 7 10 13। ओके, तुम एक चीज समझना, अगर 18 से 7 माइनस करता हूं तो कांस्टेंट का डिफरेंस क्या आ गया, 18 - 7 कांस्टेंट का डिफरेंस कितना, 11 है। ठीक है, 21 - 10 कितना डिफरेंस है, 11 है। 24 - 13 डिफरेंस कितना, 11 है। तो इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट डिफरेंस। जब भी कांस्टेंट डिफरेंस सेम होता है, समझना पहली बात, जब भी क्या होगा कांस्टेंट डिफरेंस सेम होगा तो कैसे करेंगे, तीन नंबर है एलसीएम निकाल दो पहले, एलसीएम ऑफ 18 21 और 24। अब एक चीज समझना, -11 होता है लेकिन इसने क्या बोला, 23 का मल्टीपल भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 23 का मल्टीपल 18 21 और 24। तो पहले आप बीट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा एन, क्योंकि एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम का मल्टीपल, ठीक है एन कर दिया, -11 पहले बार देखो, ट्रायल करके देखो, 1 रख के देखो 2 रख के देखो, चलो ऐसे ही करते हैं, तो चेक करते हैं इनमें से ऑप्शन लेके देखते हैं 23 से कौन सा होता है। ठीक, डिवाइड इसको फर्स्ट वाला देखते हैं, 1 2 4 0, 23 5 जा 115, रिमाइंडर विल बी 9 0। तो ये तो होता ही नहीं, 23 से डिवाइड होता ही नहीं। ठीक है, 2 3 6 4 देखो पहले, 23 इजी बनाना तो आपको आना चाहिए। ठीक है, 0 6 रहा है, 0 लगाओगे 4 64 आता ही नहीं तो ये भी नहीं होगा, 7 6 2 8 ये लो, 23 3 जा 69, 7 2, ठीक है 3 जा 69, 3 8 38 आता ही नहीं तो ये भी नहीं होगा, बचा कैसे रहे, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वरना आप हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं, एलसीएम निकालो कितना है 504। अब इसका हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा, पहले 1 से देखो नहीं देख नहीं आएगा, फिर 2 से देखो ऐसे। ठीक है, 4 क्लॉक रिंग एट द टाइम इंटरवल ऑफ 6 सेकंड 8 सेकंड 12 सेकंड 18 सेकंड रिस्पेक्टिवली, इफ दे रिंग टुगेदर एट 12 AM देन हाउ मेनी टाइम्स दे विल रिंग टुगेदर विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 6 मिनट। पहले एलसीएम निकाल लो, 6 8 12 18 3 4 6 9, ठीक लगा, 3 से वापस कर लेंगे, 1 1 1 1, ठीक एलसीएम कितना जाए, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, एलसीएम आ गया 72 क्या, सेकंड, ठीक है 72 सेकंड आ गया। अब देखो कितने सेकंड में बोला है, 6
मिनट में बोला कितनी बार बचेंगे, 6 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 6 × 60, 360 सेकंड्स। अब सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार बच सकते थे वो जितनी बार पूरी तरह डिवाइड होगा, 72। ठीक है, 72 × 5 = 360, कितनी बार बचेंगे, 5 टाइम्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 28 टाइम्स देयर एचसीएम, इफ द सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1740, इफ वन नंबर इज 240, देन व्हाट इज द अदर। ओके, तो मैं एक चीज बताता हूँ, नंबर वन इंटू नंबर टू में फॉर्मूला पढ़ा है क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, अब देखो अगर मैं एचसीएफ को एक्स मानता हूँ, एचसीएफ विल बी इक्वल टू एक्स, एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना है, 28 टाइम्स, तो 28 × x, 28 x। अब देखो दोनों को सम मिला के कर लेता मैं, 28 + 28x + x कितना हो गया, 1740, तो 29x किसके बराबर हो गया, 1740। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1740 / 29, ठीक है। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, देखो कैंसिल किया मैंने, कितना आ जाएगा, 60। एक्स क्यूब क्या हो गया, 60। ठीक है, अब देखो मुझे क्या मिल गया, एचसीएफ कितना है, 60, और एलसीएम कितना है, 28 × 60। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, देखो नंबर वन कितना है, 240 इंटू नंबर टू को मैं मान लेता हूँ, नंबर टू लो विल बी इक्वल टू 60, एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना है, 28 × 60। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो नंबर टू चाहिए ना, ये लो 240 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 60 × 28 × 60, 240, 64 = 240, ये लो, 4 से पास कितना, 7 टाइम्स, 67 से कितना होता है, 420, ये लो सीधा आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आसू टेक 12 डेज टू कंप्लीट अ वर्क, द परनव टेक्स 10 डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क, आसू परनव एंड रामू टेक 5 डेज टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मेनी डेज विल रामू टेक टू कंप्लीट द वर्क। ओके, देखो आसू मान लेते, रामू का मान लेते, क्या है नाम है इसका, रामू, रामू टेक एक्स डेज, एक्स डेज कितने दिन लेते हैं, एक्स डेज। ठीक है, अब देखो आशु का एक दिन का वर्क, 1 डे वर्क, पूरा काम कितने होना, 12 दिन में, एक दिन में कितना होगा, 1 / 12। सेम प्रणव का एक दिन का वर्क, ठीक है, अब देखो रामू का एक दिन का वर्क, रामू टोटल काम कितने दिन में कर रहे हैं, एक्स में, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x, तीनों को मिला के एक दिन वर्क, आसू प्लस प्रणव प्लस रामू, 1/12 + 1/10 + 1/x कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम आ जाएगा 60x। ठीक है, तो 5x, देखो एलसीएम आ जाएगा 60x, अब ये कैसे आएगा, जब मैं 5x से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर भी 5x से मल्टीप्लाई, प्लस 6x + 60 कितना हो गया, देखो 11x प्लस 60/60x, ये एक दिन का वर्क हो गया। अब पूरा वर्क फ्रैक्शन में कितना था, 1, अगर 1 डे को डिवाइड करेंगे 11x + 60/60x तो आंसर कितना आना चाहिए, 5। ठीक है, हमें पता है कि 5 दिन में पूरा काम हो रहा है, ठीक है 1 × 60, अब रेसिप्रोकल हो जाता है, मल्टीप्लाई आ जाता है, 11x + 60 = 5। अब 11x + 60 क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड में साइड से तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, देन 60x = 5 × 11x + 60, नीचे कर लेता है इसको, 60x = 55x + 300, इसको इधर ले आता, माइनस हो जाएगा, 5x की वैल्यू क्या जाएगी, 300, एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, देखो 300/5 कितना आ जाएगा, 60, ये आ गया आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236/65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाय 56, हाउ मच वॉज इज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, देखो 36 किससे कर दिया, 65 से कर दिया, करना किससे था, 56 से करना था, ये तो है 56 से करना था, तो अब देखो इजी ट्रिक बताता हूँ, 7 2 3 6 दोनों कॉमन है बाहर रख लेता हूँ, कितना ज्यादा आएगा, तो ऐसे ही तो निकालेंगे, माइनस ही तो करेंगे, आंसर कितना ज्यादा आया, अब 65 - 56 कर लो, 7 2 3 6 ब्रैकेट में क्या, 9, अब जो 9 6 क्या होता है, 4,
लास्ट में क्या आना चाहिए, फोर। फोर किसमें आ रहे हैं, ऑप्शन बी में, सीधा राइट हो गया, एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, 6.124 चेक भी कर सकते हो, यही आएगा। इसको सिंपलीफाई करना है, सबसे पहले किसको करेंगे ब्रैकेट को, वो पहले 3/4 - 1/3, एलसीएम विल बी 12। अब देखो 12 कैसे होना, जब इसको मल्टीप्लाई 3 किया हो, इसको भी मल्टीप्लाई 3 कर दो, 9। इसको कैसे हो मल्टीप्लाई 4, तो इसको भी मल्टीप्लाई 4, -4, 5/12, ब्रैकेट के पूरा वैल्यू आ गई 5/12। लो 1/(1/2)+(1/3)+(1/6), अब देखो डिवाइड बाय 5/12, ब्रैकेट सॉल्व हो चुके हैं, 1/(1)। अब सबसे पहले क्या करो, डिवाइड को सॉल्व करोगे, 1/2+(1/3)+(1/6) मल्टीप्लाई बाय 12/5, 2/5 हो जाएगा ये, 1/(1/2)+(1/3)+(2/5) ये हो गया 1/। अब देखो फ्रैक्शन में क्या जाएगा, 30, एलसीएम कितना है 30, ये कैसे बनेगा जब मैं मल्टीप्लाई 15 करूंगा, तो इसको भी मल्टीप्लाई 15, 15, ये कैसे बनेगा जब मैं मल्टीप्लाई 10 करूंगा, तभी तो 30 बनेगा, तो इसको भी मल्टीप्लाई 10, ये कैसे बनेगा जब मल्टीप्लाई 6, तो इसको भी मल्टीप्लाई 6+12। ठीक है, तो 1/, ये कितना हो जाएगा, 27, 37/30, 1/30/37, ठीक है आंसर आ गया 30/37, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, कर दो 2.5, 2.5 कितना हो गया 5, यहां तक 5, 0.5, 0.5, 1। ठीक है देखो 5, 1, 6, 6, 4, 10, 11, 11, 4, 15 आ गया। पेरीमीटर कभी सेंटीमीटर में होता ही नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होता, सॉरी। अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, अ स्क्वायर कार्पेट ऑफ साइड 3 मीटर लेट इज लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कार्पेटेड, फ्लोर का एरिया निकाल दो, फ्लोर एरिया माइनस कार्पेट का एरिया। फ्लोर क्या रेक्टेंगल में है, रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, 5 मीटर इनटू 4 मीटर कितना हो गया 20 मीटर स्क्वायर, माइनस कार्पेट क्या स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, 3 मीटर इनटू 3 मीटर 9 मीटर हो गया, 11 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये लो सिंपल आंसर है, सी इज द राइट आंसर। कॉस्ट ऑफ डजन पेन इज ₹180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन इज ₹56, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेन टू द कॉस्ट ऑफ द बॉल पेन। ओके कॉस्ट ऑफ अ पेन, 12 पेन की कॉस्ट कितनी है, डजन में कितना था 12, एक पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी ₹15। ठीक, अब 8 बॉल पेन की कॉस्ट 56, एक की कितनी हो जाएगी 56/8, 7। अब इन दोनों का रेशियो चाहिए, ₹15:7, कॉमन क्या है ₹15:7 आ जाएगा। एक चीज याद रखना, रेशियो इज द थिंग विच हैव विच डोंट हैव यूनिट्स। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रक रिक्वायर 108 लीटर पेट्रोल ऑफ सॉरी लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर, हाउ मच डिस्टेंस डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। ओके देखो 108 लीटर में कितना जा रहा है, 594 किलोमीटर, ठीक है 1 लीटर में कितना जाएगा, 594/108। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, कट रहा है क्या, देखो 105 नहीं कट रहा, ठीक है 1 लीटर में इतना चल जाएगा। ठीक, टोटल डिस्टेंस कितना है 1650, तो 1 लीटर में इतना किलोमीटर जा रहा है, हम कह सकते हैं 594/108 किलोमीटर विल रिक्वायर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ये रही, कितना लीटर पेट्रोल लगेगा, 1650 डिवाइड बाय 594 इंटू 108 अपॉन में 594। ठीक है, ये देखो, अब देखो क्या कर सकते हैं हम, देखो 18 का 18 6 जा 108, 3 जा एंड वापस 3 जा, 33 हो गया। अब
फाइव से कर लो, 33 50 टाइम्स ये हो जाएगा 56,300 लीटर ऑफ पेट्रोल याद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट द रेट ऑफ 7.2% फॉर 3 इयर्स। 5,000 इंटू 15/2, इसको अगर इन प्रॉपर में लिखता हूँ, इंटू 3/100 हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए, 2 0 से 2 0 के आंसर। 25 25 3 जा 75 इंटू 15 15 5 जा 75 15 7 जा 105 105 है, ये लो 1125। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3। आप देखो दो करने के बहुत तरीके हैं, मैंने पहले वाली वीडियोस में कराया, आज मैं क्या करूंगा सिंपल ट्रिक से। पहला ऑप्शन लेके देखते हैं, 30 60 90। अगर मैं इनको करता हूँ, 31 जो 30 32 जो 60 33 जो 90, ये बन गया सम करो इनका 180 बन रहा है, तो आगे पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वन नंबर एक्सीड बाय अनदर नंबर बाय 36, एक एक्स से तो दूसरा क्या एक्स प्लस 36, दोनों नंबर का सम कितना है 48, ये लो इक्वल कर दो 48। अब देखो दो तरीके से सोचता है, इधर देखो इनका डिफरेंस है क्या 36, नहीं है। इनका है क्या, नहीं है। इनका है यस, और इनका सम भी बन रहा 48, इनका है क्या, नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो कितना आसान है करना, ऑप्शन से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ टाइम्स इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज एग्जैक्टली स्ट्रेट एंगल। देखो समझाता हूँ, खुद ही बना के देख लो, 12 AM और PM तो क्या हुआ, दोनों घड़ी यही रहेगी, ठीक है यही रहेगी। अब देखो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब देखो 12 पे तो यही रहेगी ना, 12 पे देखो यही रहेगी, तो इनके बीच में तो 180 बनेगा नहीं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 6 पे कैसे रहेगी, 12 पे ये 12 और ये 2 6 पे भी बन सकता है एक तो, और दूसरा भी देखो 12 छोटी एरिया यहाँ हो जाएगी और बड़ी एरिया 6 पे भी बन सकता है। एग्जैक्टली वन स्ट्रेट एंगल, और एक ही है देखो, एक ही होता है 9 और 15 पे भी हो जाता है। 9 पे यहाँ 9 आर ये रहेगा और 15 पे ये रहेगा, तो 9 15, ठीक है दोनों हो सकते हैं वैसे तो देखा जाए तो। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 12 और 18। तीनों से डिविजिबल है, देखो याद रखना जब भी डिविजन बाय आए ना तो एलसीएम निकालना है, 6 12 18 निकाल दो एलसीएम। पहली बात हमें पता है 6 से डिवाइड होते हैं 1 2 3, अब देखो 2 1 निकाल दो 1 1 3, 3 से कर दो 1 1 1, 3 2 6 6 6 36, ठीक है 36 हो गया। वो नंबर कितना हो गया 36। अब एक चीज देखना, हमें तो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए ना, 36 का मल्टीपल देखो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 36 का मल्टीपल देखो 36 72 108, ठीक है क्या 108, नहीं है, फिर क्या आएगा 144 और फिर 180। अब सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा दिख रहा है इनमें, ऑप्शन में बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एंगल गिवन एज गिवन कैन बी द हाउस ऑफ ए आइसोसेलस ट्राइंगल। आइसोसेलस ट्राइंगल के कौन कौन से एंगल हो सकते हैं, ठीक है अभी देखते हैं। मान लो एक 60 एक 30, तो नेक्स्ट कितना हुआ 90 डिग्री। आइसोसेलस में क्या होता है, दो एंगल बराबर होते हैं, एक 90 एक 45, तो लास्ट वाला कितना हुआ 45, तो ये देखो दो एंगल बराबर हो गए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 मीटर सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल कितना है 50 सेंटीमीटर। मान लो लेंथ कितनी है, ब्रेथ मान लेते हैं एक्स, लेंथ कितनी हुई एक्स प्लस 5, ठीक है अब देखो 2x x + y कितना हो रहा है 50 सेंटीमीटर, 2 के मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, ये लो इसको यहां से हटा दो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, x + x + y 25 सेंटीमीटर, 2x + y विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, 2x की वैल्यू क्या जाएगी 25 सेंटीमीटर -5 सेंटीमीटर, 2x विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, x की वैल्यू क्या होगी 20 सेंटीमीटर अपॉन में 2,
10 सेंटीमीटर, एक्स प्लस फाइव की वैल्यू क्या जाएगी, 10 प्लस 5 15 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या चाहिए, एरिया, लेंथ निकल गई, ब्रेथ निकल गई, लेंथ इंटू ब्रेथ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12% कैन फिनिश अ पेयर से ऑफ वर्क इन 15 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 20%। देखो 12% कर रहे हैं 15 डेज में, एक करेगा आदमी तो स्पीड तो कम हो जाएगी, तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब जो 20% आ गए, 15 × 12 / 20, 5 का टेबल आता है, 3 जा 4 जा 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, कितना डेज लगेंगे, 9 डेज। ठीक है, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, हमेशा याद रखना क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, और एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। ओके, इन अ स्कूल 1000 स्टूडेंट्स, 330 कम बाय बस, 400 बाय वॉकिंग एंड रिमेनिंग ड्रॉप बाय पेरेंट्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दैट डिड नॉट राइड द बस। बस से कौन कौन नहीं आते हैं, वॉकिंग से, और जो पेरेंट्स आते हैं वो तो नहीं आएंगे, पेरेंट्स के साथ कौन कौन से आएंगे, -330 कर लो, बस से जितने आते हैं उनको देख लो। क्या पूछा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दैट डिड नॉट राइड द बस टू द स्कूल, बस से जितने आते हैं माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 670। अब परसेंटेज पूछा है, 670 / टोटल स्टूडेंट कितने, 1000 × 100, ये लो 2 जीरो से एक, 3 जीरो कैंसिल, ये लो 67% आ गया। अ ट्रेन फ्रॉम अ स्टेशन ए टू बी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 616 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर। इट हाल्ट्स एट स्टेशन बी फॉर 1 आवर बिफोर द स्टार्टिंग बैक। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट द जर्नी एंड रीच बैक टू स्टेशन ए। देखो मुझे ये पता चल गया कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, 612 का टू पार्ट, क्योंकि एक बार तो जा रहे हैं और एक बार वापिस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो होगा डिस्टेंस, स्पीड कितनी, 112। ठीक है, प्लस 1 आवर क्या रुक रही है, हाल्ट, ये लो प्लस 1 आवर कर लो। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इससे लो कितना जाएगा, हाँ 56 आएगा शायद से, ये लो 56। अब करते हैं, हाँ 1 1 11 आ गया, 11 + 1 कितना हो गया, 12 आवर, 1 घंटे रुके हुए हैं भाई साहब वो। सी टेबल वॉज सोल्ड एट 16% लॉस फॉर 3360, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। पहली चीज याद रखना, सीपी निकालना है, फॉर्मूला SP × 100 अपॉन में 100 - लॉस परसेंट। SP कितना है, 3360 × 100, लॉस 100 - लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, 84 × 40 टाइम्स, तो 4000 आ जाएगा। CP कितना गया, 4000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देर आर 17 रूम्स इन स्कूल, एवरी रूम हैज 2 फैंस एंड 4 LED बल्ब्स। ओके, हाउ मेनी स्विचेस आर रिक्वायर्ड फॉर द स्कूल इफ एवरी फैन रिक्वायर अ स्विच एंड 1 स्विच इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी 2 बल्ब्स। देख लो एक चीज समझना, 17 रूम्स है, फैन कितने होंगे, 17 × 2 = 34 फैंस। अब देखो बल्ब कितने होंगे, 17 × 4 = 68 बल्ब। अब देखो इनको तो क्या चाहिए, हर फैन को एक स्विच चाहिए, तो 34 स्विच हो गए, ये लो। अब इनका क्या चक्कर है, ये भाई साहब क्या बोलते हैं, हम तो 2 में शेयर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, तो टोटल 68 तो शेयर करेंगे, कितना जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो, तो 34 स्विचेस, टोटल स्विच नंबर ऑफ स्विच कितने हो, 34 + 34 = 68। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर इज 12.194, इफ वन ऑफ द इज 4.69 द अदर विल बी। देखो 4.69 × क्या, देखो इंटू एक्स क्या रहा है, 12194। अब मुझे तो एक्स की वैल्यू चाहिए, ये लो 4.69 के मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, पॉइंट हटाया तो मल्टीप्लाई में 1000, इधर से पॉइंट हटाया तो डिवाइड में 1000। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आता है कितना, 469 से 2 टाइम 26 टाइम्स हो जाएगा, और 26/10 कितना होता है, 2.6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राहुल परचेजेस अ चेयर फॉर 600,
एंड यूजेस 200 फॉर रिपेयर्स। इफ ही सेल्स फॉर 1000 रुपीज देन ही हैज, देखो टोटल सीपी क्या होता है इस केस में, जब भी रिपेयर करते हैं 600 प्लस 200 800 हो गया, ठीक है। एसपी कितना हो गया 1000, क्या होगा प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट कितने होगा 1000 माइनस 800 कितने का प्रॉफिट 200 रुपीज का, ठीक है। मुझे क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट 200 इंटू, अब समझना 200 इंटू 100 अपॉन में क्या आएगा सीपी कितना था 800, 4 टाइम्स 25% क्या क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टेम्परेचर ड्रॉप बाय 15 डिग्री इन द लास्ट 30 डेज, इफ द रेट ऑफ द टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन द सेम हाउ मेनी डिग्री विल बी टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज। 30 डेज में कितना हो रहा है 15 डिग्री, ठीक है, मतलब 2 डेज में कितना हो रहा है 1 डिग्री घट रहा है, ठीक है। मुझे इतना पता चल गया कैसे किया, देखो 1 डिग्री कितने में घट रहा है 30/15, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ डेज कितने 10 है, 10/2 डिवाइड कर दो कितना जाएगा 5 डिग्री घटेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रॉम अ बास्केट ऑफ मैंगोज व्हेन काउंटेड इन टूज देयर वाज वन एक्स्ट्रा, व्हेन काउंटेड इन थ्रीज देयर वर टू एक्स्ट्रा, व्हेन काउंटेड इन फाइव्स देयर वर 4 एक्स्ट्रा, व्हेन काउंटेड इन सिक्स देर वर 5 एक्स्ट्रा, बट काउंटेड इन 7 देर वर नो एक्स्ट्रा, एटलीस्ट हाउ मेनी मैंगोज वर देयर। तुम एक चीज समझना, पहली चीज क्या बोल रहे हैं, जब दो दो साथ में गिन रहा हूं मैं तो एक एक्स्ट्रा रह जा रहा है, ठीक है। अगर मैं समझना कोई नंबर टू से डिवाइड करूँ तो 1 रिमाइंडर रह रहा है, बस वही तो चीज बोली जा रही है, ठीक है। टू से डिवाइड करूँ तो 1 रिमाइंडर रह रहा है, ठीक है। अभी समझना देर वर काउंटेड इन थ्री, थ्री में देख रहे हो कितना रह रहा है 2 रिमाइंडर रह रहा है, ठीक है। काउंटेड इन फाइव देर 4 एक्स्ट्रा, ठीक है। व्हेन काउंटेड इन फाइव देयर वर 4, व्हेन काउंटेड इन सिक्स देयर वर 5 एक्स्ट्रा, ओके। बट काउंटेड इन सेवन, सेवन में रिमाइंडर 0 रहता, तो पहले ऑप्शन में देख लो ना सेवन से कौन सा डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है क्या, नहीं हो रहा 12, ये भी नहीं हो रहा, ये हो जाएगा शायद से, ये हो सकता है एक, तो देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये हो सकता है। अब 119 और 126, अब पहला ही देखो ऑप्शन, अगर मैं टू से डिवाइड करूं तो कितने रिमाइंडर रहना चाहिए, वन इधर रह रहा है नहीं रह रहा, तो ऑप्शन ये वाला राइट हो जाएगा, अपने आप राइट हो जाए, बाकी तो अपने आप सेटिस्फाई के बाद में करेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिजिट नंबर व्हेन एडेड टू 27 गेट रिवर्स, 27 एडिट कर लो यार 54 आ रहे हैं, 27 ऐड कर लो कितना आ रहा है, वो लास्ट वन आ रहा है तो नहीं हो रहा, 27 ऐड कर लो 74, ये लो हो गया रिवर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द रेशियो ऑफ द इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ राधा इज 7:5, इफ सी सेव्स 2000 अ मंथ व्हाट इज द एनुअल इनकम। देखो सेविंग क्या होता है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, ओ सॉरी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सॉरी सॉरी इनकम में से खर्चे घटा तो आप क्या निकल गई सेविंग। अगर मैं 7x मान लेता हूँ रेशियो में आएगा तो 7x हो जाएंगे, अगर रेशियो में नहीं होता तो 5x होता, कॉमन फैक्टर x मान लेते हैं, 7x माइनस 5x कितना हो गया 2000। आप देखो 2x की वैल्यू क्या हो गई 2000, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000/2000, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मंथली इनकम दे रखी है, एनुअल इनकम पूछ ली, मंथली कितना हो जाएगा 7 × 1000, एनुअल कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 12 तो आ जाएगा 84,000। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द कॉस्ट द रेशियो ऑफ द लेंथ टू ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन इज 3:5, इट कॉस्ट ₹3,200 टू फेंस इट एट द रेट ऑफ 2 मीटर टू अ मीटर, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द लोन एट द रेट ऑफ 10 पर स्क्वायर मीटर। ओके पहले एक चीज देखना, अगर 3,200 लग रहे थे जब ₹2 पर मीटर, तो पेरीमीटर कितना हुआ, फेंस, तो फेंस तो बाउंड्री भी लगेगी ना, फेंस कहाँ कहाँ लगती है, ये देखो यहाँ 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 फेंस लगेगी, तो पेरीमीटर क्या होता है, देखो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 320/2,
तो 1600 रुपये, 1600 रुपये नहीं सॉरी 1600 मीटर पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है, तो मान लो लेट लेंथ इक्वल टू 3x, ब्रेथ 5x। टू पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, 3x + 5x कितना हो रहा है, 1600। ठीक है, अगर टू मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 800 मीटर। 8x की वैल्यू क्या जाएगी, 800 मीटर। एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, 800/8। एक्स की वैल्यू मिल गई मुझे। अब तो लेंथ की वैल्यू कितनी है देखो, 3 × 100। ब्रेथ की कितनी है, 5 × 100, 300 और 500। ठीक, अब देखो कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। टोटल एरिया पहले निकाल लो, एरिया निकाल लिया, अब कॉस्ट कितनी है, 10, एक का 10 है तो इतने का मल्टीप्लाई 10 कर दो, कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 3 15। ये देखो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ABC डिवाइड एन अमाउंट अमंग्स देमसेल्फ इन द रेशियो 4:7:9 रेस्पेक्टिवली। इफ बी शेयर इज द अमाउंट, इफ बी शेयर इन द अमाउंट इज 2989, ओके 4x 7x और 9x मान लेते हैं, कौन फैक्टर हटा देते हैं ABC का। ठीक है, अब क्या बोला, 7x की वैल्यू किसके बराबर है, 2989। टोटल मिला के कितने एक्स हैं ये देख लो, 11 और 9 20x। ठीक, एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, 2989/7, 4 28 18 कितना हो गया, 2 7। एक्स की वैल्यू 427। टोटल पूछिए, 20 × 427 0 864, 854 सॉरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 18 इयर्स व्हेन द टीचर एज इज ऑल्सो इंक्लूडिंग द कैलकुलेटिंग एवरेज इज बिकम 19 इयर्स। व्हाट इज द टीचर एज, क्या बिकम होगा यहाँ पे। ठीक है, पहले देखो 40 का एवरेज कितना है, 18। 40 का सम कितना हो जाएगा, 40 × 18 720 ईयर्स। ठीक, अब एक चीज समझना, टीचर एज इंक्लूड कर लेते हैं, क्या बोला, टीचर इंक्लूड एज इंक्लूड कर लेते हैं, तो बंदे कितने हुए, 41, 41% हो गए, उनका एवरेज कितना हुआ, 18 ईयर्स सॉरी 19 ईयर्स। ठीक है, अब देखो सम कितना हो जाएगा, 41 × 19 9 वन कैरी, 19 × 4 = 76, 759 ईयर्स। ये निकल गए सबका सम, टीचर की एज निकालनी है तो 41 में से 40 का माइनस कर दूं, 79 - 720 39 ईयर्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाय 3026 सॉरी डिवाइड विच वेन डिवाइड 3026 एंड 5053 लीव्स अ रिमाइंडर 11 एंड 13। देखो जब भी डिवाइड आते तो क्या निकालना होता है, एचसीएफ, तो -11 कर लो, 3015 और 5053 में से -13 कर लो, 5040। अब इनका क्या करोगे आप, इनका क्या करोगे आप, एचसीएफ निकाल दोगे, 3015 5040 3015। ये हो जाएगा हाँ 2025 3015। कितना आया, 2025 09990। अब इसे देख लो, 2025 कौन सा होगा, 2 × 990 है ना, 1980, 5445 आ गया, 45 को देखो 990 से, 45 × 2 = 90 = 9 × 2 = 90। कौन सा किस नंबर से पूरी तरह डिवाइड है, 45 से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
रवि परचेज द चेयर फॉर ₹8, सोल्ड कर दी कितने में, 550, गेन और लॉस परसेंट, तो गेन ही हुआ पहली बात तो, 550 माइनस 500, रवि को मान लो आप खुद ही कर रहे हो यार, 500 में आप खरीद रहे हो, 550 में बेच रहे हो। तो ₹50 का गेन हुआ। अब देखो गेन परसेंट पूछा है, गेन अपॉन में सीपी इंटू 100, सीपी अपॉन में 500 इंटू 100, 2-0 से 2-0 से 10%, कितना जाएगा, 10%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 10% क्या होगा गेन। अ सर्टेन डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड इन 28 आवर्स बाय वॉकिंग विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, 5 × 28, 140 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या बोला, अगर क्या है, स्पीड इंक्रीज बाय 2 किलोमीटर, पहले कितनी थी, 5 किलोमीटर, अब न्यू स्पीड कितनी हुई देखो, 7 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगेगा, 140 अपॉन में 7 20 आर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अ पीस ऑफ वायर इज 7 अपॉन 8 मीटर लॉन्ग, ब्रोक इनटू 2 पीसेस, वन पीस कितना है, 1 अपॉन 4 मीटर लॉन्ग, दूसरा कितना होगा, मिला के कितना है, 7.8, अगर ए कितना 1.4 है, 1 अपॉन 4 है, दूसरा कितना होगा, माइनस कर दो, देखो एक्स के लिए हो जाएगी, दूसरे के लिए हो जाएंगे, और देखो 8 7, अभी 8 के समय मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो 5/8 मीटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस, ओके देखो हो क्या रहा है, 3+ फिर 5+, अब हम लोग क्या इटन ट्रायल करने पड़ेंगे, फिर क्या 4+, फिर वापिस 4+, नहीं ऐसे तो निकल रहा है, 1 मिनट, ओके 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, ना ऐसे भी नहीं चल रहा, देखो डिफरेंस कितना है, 3 5 4, इन दोनों बीच में कितना है, 4, इनके जो 5 3 4, 1 मिनट, 3 5 4 4, चलो अगर ये चल रहा है, ये पैटर्न चल रहा है 3 5 4, ठीक है, फिर 3 5 क्या हो गया, देखो 3 6 हो गए, पर ये तो पैटर्न नहीं चल रहा है, चलो अभी देखो क्या मैं लिख देता हूँ, सीरीज लिखता हूँ, 2 5 10 14 18 23 26 एंड 32, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे जा रहा हूँ कितना, 8+, फिर ऑफिस ऊपर जा रहा हूँ 8+, फिर ऑफिस ऊपर जा रहा हूँ तो कितना हो रहा है, 8+, अब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर नंबर आएगा, इसमें 8+ करूँ तो 34 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 34, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन और चेक कर लेते हैं, प्लस करो 9+ हो रहा है, 9+ कर रहा है और देन 9, तो हमारा बन रहा है पूरा, ठीक, अगर 34 से आगे का पूछता तो क्या होता, 41, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 men can do a piece of work in 6 days. How many days 8 men can do the same work? देखो 30 men कर रहे हैं 6 days में, अगर मान लो एक ही मैन है, 6 × 30 क्या हो, एक होता तो क्या होता, स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, 8 men है, 6 × 30 अपॉन में 8, ठीक है, कितना हो गया, देखो ना 3 4 90 अपॉन में 4, आई जस्ट चेक द क्वेश्चन, देर वॉज 16 नॉट 6, क्या है 16 है, 30 मिनट कितने में कर रहे हैं, 16 डेज में, यहाँ 16 आ जाए तो 16 × 30, ओके ये लो, कहीं जरूरत ही नहीं लगेगी, 16 × 30 अपॉन में 8, 8 2 16, 30 × 2 60 डेज, अब आ जाएगा मैच कर जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
राम श्याम मोहन के रन स्पीड ऑफ 75, 50, 30 मीटर पर मिनट रिस्पेक्टिवली आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम रनिंग एट द सेम स्पीड। ओके क्या करो, एलसीएम निकाल दो। 30 मीटर, पहली बात तो एलजी हमें मीटर में आएगा, ठीक समझ नहीं, एलसीएम निकाल दो कितना आ जाएगा, 5, 15, 10, 6, ठीक है फिर कर लो, 2, 15, 5, 3, फिर क्या कर लो, 3, 5, 5, 1, फिर क्या करोगे देखो, यहाँ क्या जाएगा देखो, यहाँ जाएगा 5, 1, 1, 1, ठीक। ये क्या होगी, ये ऐसी डिस्टेंस होगी जहां पे क्या है सारे सेम होंगे, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 35 जा 150, ठीक है ओके। देखो हम अभी चेक करते हैं मीटर पर मिनट है, देखो आंसर कितना है, 150 मिनट। अगर मैं इसको आर में चेंज करता हूँ, क्या आर में चेंज करता हूँ, 150 पर 60, तो 5/2 आर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, रिप्रेजेंट 26 kg 5 ग्राम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल, ग्राम को अगर केजी में बदलते 1000, क्या लिख सकते हो, 0.005 पॉइंट का 3 डिजिट है, देखो कि 3 0 3 डिजिट होके पॉइंट लगाओ, दोनों को प्लस करके लिखना है तो 0.05 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एट व्हाट रेट अ सम ऑफ 6000 विल अमाउंट टू ₹7800 इन 5 ईयर्स, ऐसा ही कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 1800, 1800 क्या हो गया, ऐसा ही मुझे करेगा रेट SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T फॉर्मूला होता है, 1800 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है, 6000 इंटू टाइम कितना है, 5 2 3 30 5 6 6% पर एनम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ द क्यूबिकल पॉन्ड हुज वॉल्यूम इज 729 मीटर क्यूब, पहली बात तो क्यूबिकल है तो क्या होगा, एज सारे बराबर होंगे तो साइड सारी बराबर होगी, वॉल्यूम क्या होता है साइड क्यूब, 729 मीटर क्यूब, साइड की वैल्यू में जाएगी क्यूब रूट ऑफ 729 कितना जाएगा, 9 मीटर आ जाएगा, सबको पता है हाइट भी कितनी होगी, 9 मीटर, क्योंकि सारी चीज बराबर होती है क्यूब में, यहाँ 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 तीनों चीज बराबर होगी, ठीक है ये भी 9 मीटर, ये भी 9 मीटर और ये भी 9 मीटर, चलो इसकी वैल्यू निकालनी, सबसे पहले क्या करते हैं बॉड मास में डिवाइड, 45 डिवाइड बाय 5 9 into 4 plus 49, इसके आगे क्या लिख दो, 3 into 7 plus 4 minus 63 minus 7 21 plus 4 minus 63, यह मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, +36 plus 49, ठीक है अब देखो 63 और 7 कितने हैं, -70, इनको प्लस वाले को प्लस कर लो, 36 40, ठीक है 40 और 70 कितना हो गया, 110, 25, 25 और 36, 50, 61 और 49, ओके चलो अब अगर मैं इसको आगे से सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं, चेक सही है क्वेश्चन तो सही है ना, अच्छा क्वेश्चन में यहाँ क्या है, ठीक क्वेश्चन चेंज है, अगर इसका अगर यही क्वेश्चन होता है 40 आता, ठीक
क्वेश्चन होता क्या था, 40 आता। इन व्हाट टाइम आ ट्रेन हुज लेंथ इज 100 मीटर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म व्हेन लेंथ इज 150 मीटर। देखो जब भी ट्रेन किसी बड़े प्लेटफॉर्म को पास करती है, तो ऐसी चीज को पास करती है जिसकी जो खुद की लेंथ है ना वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब 50 मीटर ऐसे है, मतलब नेग्लेजिबल नहीं है, मतलब एक 10-15 सेंटीमीटर नहीं है बस, कह रही हूँ मतलब ये पोल होता है, पोल कितना होता है ज्यादा से ज्यादा 10-15 सेंटीमीटर या ज्यादा से ज्यादा आधा मीटर, तो ये नेग्लेजिबल डिस्टेंस होता है, पोल में नहीं पोल। लेकिन अगर ऐसी चीज को पास कर रही जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, तो डिस्टेंस किसके बराबर होती है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। 100 मीटर प्लस 150 मीटर, 250 मीटर आ गया। ठीक है, अब एक चीज देखना, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन में एस। स्पीड को अगर मैं 60 किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में करूँ तो 5/18, 3 टाइम्स 10 टाइम्स 50/3 मीटर पर सेकंड, 250 मीटर। अब मुझे क्या टाइम निकालना है, अपॉन 50, 3 ऊपर से जाएगा, मीटर पर सेकंड, ये मीटर से मीटर कैंसिल, 5/3 15 सेकंड आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स दिस वाज योर सनी स्कूल प्रीवियस ईयर पेपर, वी विल मीट विद अनदर क्लास विद अनदर सनी स्कूल पेपर। Sainik School and Military Schools offline and online courses are available at minimal cost. Jai Hind.